ध्यान से देखिए, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी सच दैट एन एट डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 15। कहता है 8 अंकों का एक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं दिया हुआ है संख्या 8 अंकों का, ये वाला, यदि 15 से विभाज्य है तो ए प्लस बी का अधिकतम मान बताओ भाई। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 15 का नियम क्या कहता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 से भी भाग हो जाए और 5 से भी भाग हो जाए, ठीक है। और लास्ट वाला में क्या रहना चाहिए भाई, 5 से भाग होने के लिए लास्ट में क्या रहना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ अधिकतम वैल्यू बोला है तो 5 को ही रखेंगे, यानी बी के जगह हम क्या रख देंगे, 5 को रख देंगे। चलिए पहले हम संख्या को उतार देते हैं, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, ए है, 6 है, 0 है, बी है, लास्ट में क्या रखेंगे, 5 से जब डिवाइड मारेंगे तो 0 को रख सकते हैं या आप 5 को रख सकते हैं। तो यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है तो 5 को ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं 5 को ही रखेंगे। अब आगे देखिए, ये तो एगो मिल गया, अब एक हमको पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, अब देखिए 3 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, सबको जोड़ते जाइए, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 6 20, और इधर 5 हो गया, ठीक है, तो 20 5 25, 25 प्लस ए हो गया, ठीक है। ए के जगह हम क्या रखें जो 3 से कट जाए, अधिकतम मान बोला है तो आप क्या क्या रख सकते हो, ध्यान से देखिए, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना ही तक रख सकते हो, इतना ही तक डिजिट होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, 10 11 नहीं रख सकते, ये डिजिट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अधिकतम मान बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है, तो 9 को रखिए तो 25 9 कितना होता है, 9 5 9 10 11 12 13 14 और 34, 34 3 से कटता है, नहीं कटता है, 25 प्लस ए के जगह 8 को रखिए तो कितना हो जाएगा, 25 और 8 33 होता है, 33 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, यानी ए का मान आप क्या रख दो यहाँ पे, 8 रख दो, हो गया खत्म। बाकी आप कैलकुलेट मतलब कैलकुलेटर से देख लीजिए कटता है कि नहीं कटता है, सिंपल था। अब आपसे पूछा है ए प्लस बी का अधिकतम मान बताओ, ए का अधिकतम मान 8 है, बी का अधिकतम मान कितना है, 5 है, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं।